भाईजान आज तो अच्छी कमाई हो गई। हम सोच रहे हैं कि सुनो मत, बहुत गर्मी है ना तुम्हारे अंदर। अगर रेख पाप की औलाद हो तो आ जाना चांद बाबा के ठिकाने पर, वरना समझ लेंगे पूरे मोहल्ले का योगदान है तुमको पैदा करने में। चलो रे। अब क्या करेंगे भाईजान? चलेंगे, जरूर चलेंगे, और इसका जवाब भी देंगे। सलाम बाबा, बताइए काहे बुलाए? सुने हैं बहुत बड़े गुंडा हो गए हो, हमारे इलाके में रोडी करा थे हो। हाँ करी थे। अच्छी बात है, खूब गुंडाई करो, खूब रुपया पैसा नाम कमाओ। हमारा इलाका का है, पूरे इलाहाबाद भरे वसूली करो, लेकिन बेटा हमारे नाम। बाबा हम वसूली तो अपने ही नाम की करेंगे। हो सड़ी के जवान लड़ा रहे हो, बहुत बड़े गुंडा बन रहे हो। गुंडा नहीं, बाहुबली। बाहुबली बने खे हमका। फिर तो तुमको यहाँ पता हुई कि एक राज में एक राजा हुआ थे, और हमारे जीते जी कोई दूसरा बने जो हम हुए न दिया। लेकिन बाबा राज का राजा बदल भी तो सकता है, मान लो कल का आप ना रहे तब। अच्छा मादर चोर, शुक्र करो आज जुम्मा आए, वरना लाठीदार के चौराहा खड़िया दे। अब चलो निकल लियो, आज के बाद हमारे इलाके में नजर ना आयो, वरना हर दिन जुम्मा नहीं हुआ थे। चलो निकलो। ओ सड़ी का बाहुबली बनाया है। भाईजान आपने हमें रोका क्यों? साला गाली पे गाली दिए जा रहा था, दिल तो कर रहा था वही काट के फेंक दू साले को। देखो राजू, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन उस वक्त हमारे लिए कुछ बोलना वहाँ पर ठीक नहीं था। क्या ठीक नहीं था भाईजान? कोई हमें माँ बहन की गाली दे और हम लोग यूं ही चुपचाप चले आए? क्या कहा था आपने? बाहुबली बनना है तो होने वाले बाहुबली को अगर कोई गाली देगा तो चुपचाप सुन के चला आएगा। माफ करना भाईजान, ये एक बाहुबली की फितरत नहीं कायराना हरकत है। अरे बाहुबली तो वो होता है जिसके बाहु में बल हो, जिसको कोई गाली देने को तो दूर, सामने खड़ा होने की भी हिम्मत न करे। राजू जब तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है तो जरा सोचो हमें कितना गुस्सा आ रहा होगा। बाहुबली वो नहीं जिसके बाहु में बल हो, बाहुबली वो होता है जिसके बाहु में बल और दिमाग में अकल हो। और रही बात उस चांद बाबा की ना, इसने हमारी तौहीन की है, उसका बदला तो हम लेके रहेंगे, वो भी सूद समेत। कब लेंगे? चिंता ना करो। कब लेंगे बदला? वक्त आने दो, चलो। प्रधानमंत्री जी। अरे आओ सफेद मियां, सुनकर तुम्हारे बारे में बहुत दुख हुआ। मंत्री जी हम उसी सिलसिले में आपसे बात करने आए। बताइए सफेद मियां, क्या मदद चाहते हैं? अब मंत्री जी, बम बंदूक का जवाब चाकू छुरी से तो नहीं दिया जा सकता ना, इसलिए वो विदेशिया वाला मिल जाता तो अच्छा रहता। हाँ वो जिसमें एक बार में 12-15 गोली लगता है। ठीक है, देखो कोई जुगाड़ करते हैं, लेकिन कर पाओगे? मंत्री जी बस आप इंतजाम करवा दीजिए, बाकी हमरे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आप अपने घर जाइए, सामान आपके घर पहुंच जाएगा। जी प्रणाम मंत्री जी। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद अफसर बाबू, लोहा गरम है सुकुल जी। वो सफीक में आए थे हमारे पास।
कोई पीछा कर रहा है। पीछा कर रहा है भाई। भाईजान रुकिए 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 भाईजान, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। भाईजान रुकिए, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बोल बे, क्या बताना चाहता है? चांद बाबा के सब आदमी लोग मुहर्रम की ताजिया लेकर जाएंगे कल। चांद बाबा ठिकाने पर अकेला रहेगा, एकदम निहत्था। उसको मारने का ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। लेकिन तू कौन है बे? भाईजान भाईजान, ये सवाल जवाब करने का समय नहीं है। आप हमारी बात को विश्वास कीजिए, आप काम को अंजाम दीजिए भाईजान। चल निकल। राजू। हाँ भाईजान। तुमको क्या लगता है, ये साला सच बोला था या झूठ? पता नहीं भाईजान, सच बोल रहा था कि झूठ, लेकिन ये है कि हर साल मुहर्रम के जुलूस में चांद के आदमी जाते जरूर हैं। मगर ये तो नहीं हो सकता ना कि चांद अकेला। ये भी है, मगर इतना सोचना क्यों? जब साला विदेशी वाला अपने पास आ रहा है, दो चार साला वहीं निपटा देंगे। इसकी माँ का जो होगा देखा जाए। चलो। भाईजान, भाईजान अगर हम लोग गांव के अंदर से चांद के पास पहुंचते हैं तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि गांव में हर जगह पे चांद के आदमी होंगे। तो फिर हम लोग किधर से जाएंगे? एक ही रास्ता है, नदी से सट के चरवाहों का रास्ता है। विदेशिया आ गई। निकलो, बहुत सारे आदमी। साला वो
जिसने हम लोगों को गलत जानकारी दे दी। पता नहीं भाईजान, लेकिन वहां पर चांद के सारे गुर्गे मौजूद थे। कहीं ऐसा तो नहीं ये सलाह चांद की साजिश हो हमें परखने की? अगर वो हमारी ताकत का अंदाजा लगा रहा है तो उसे पता चल गया होगा कि कितनी हिम्मत है हम में। अब हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। राजू भाईजान, उसकी पूरी कुंडली निकालो, पता करो कहां जाता है, कहां आता है, किससे मिलता है, क्या करता है। क्योंकि अगर दुश्मन से जीतना है तो जो उससे नहीं हो उससे काम लेना होगा। हमें उसकी पूरी जानकारी चाहिए। चांद सुबह फज्र की नमाज अदा करने के बाद अपनी अम्मी की मजार पे फूल चढ़ाकर ग्वाला मोहल्ला जाता है। फिर उसके बाद गोश्त लेने बाजार जाता है। हम वहां पर भी उसे नहीं मार सकते क्योंकि उसके सारे साथी वहां पर भी मौजूद रहते हैं। अगर हमें चांद को मारना है तो हमें उसको उसी के मोहल्ले में मारना होगा। वो कैसे? जब ये सुबह फज्र की नमाज पढ़ के निकलता है या फिर चाय की टपरी पर जब ये चाय पीने जाता है, क्योंकि उस वक्त न इसके पास कोई हथियार रहता है और ना कोई साथी, बस एक घर का लौंडा रहता है। लेकिन साला लौंडा बहुत हरामी है, कट्टा चलाने में एक नंबर का उस्ताद है। चलो देखते हैं साला कितना बड़ा उस्ताद है।